हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दीपा कुमारी ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो अभी ब्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं और अभी सुबह का बज रहा है 11:30। तो अभी देखिए, हम नहाए धोए नहीं हैं और सुबह से हम ब्लॉग इसलिए नहीं स्टार्ट किए थे क्योंकि मेरा फ़ोन का स्टोरेज फुल हो गया था, तो इस वजह से सारा फ़ोटो वगैरह डिलीट किए हैं। उसके बाद हम सब कुछ किए, तब फिर हम ब्लॉग एडिटिंग किए, अपलोड किए, उसके बाद हम ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी हम देखिए नहाए नहीं हैं, अभी बर्तन वगैरह धोने का है तो धो लेंगे। और अभी हम जा रहे हैं इधर, सोचे कि खाना का भी तैयारी कर लेते हैं क्योंकि 11:30 बज गया। तो अभी हम जा रहे हैं, आज का दोपहर का लंच में बना रहे हैं। और बच्चे लोग तो सभी लोग स्कूल चले गए। और गाइस, मेरा ब्लॉग देखिएगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और कंटिन्यू मेरा ब्लॉग देखते रहिएगा। तो आप लोग को दिखाते हैं कि आज दोपहर में हम क्या बना रहे हैं। और बच्चे लोग चले गए स्कूल, तो वो लोग को हम दिए आलू का पराठा और सॉस लेके गया है तो सुबह सुबह 8 बजे। और अभी हम नाश्ता में फिर से अपने लिए बनाए कद्दू का सब्जी रोटी। तो हम अभी जा रहे दोपहर का लंच में बनाने के लिए राजमा और चावल। तो अभी दिखाते हैं बैक कैमरा करके, तभी आपको हम लेके चलते हैं किचन में। यहाँ सब्जी है ढेर सारा, तो अभी देखिए ब्लैक ब्लैक मिर्चा है। और अभी किचन भी उतना साफ नहीं किए हैं, थोड़ा बहुत बचा हुआ है। तो अभी हम दोपहर का लंच बनाने जा रहे हैं राजमा और चावल। देखिए सुबह का नाश्ता में बनाए थे कद्दू का सब्जी, तो सभी लोग खा लिए हैं, सिर्फ मेरी सासू माँ बची हुई है। तो अभी नहाएगी, पूजा करेगी, उसके बाद खाएगी। तो भी देखा राजमा है, मतलब सुबह रात को दे दिए थे भिगोने के लिए, मतलब फूलने के लिए। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से फूल चुका है। अब इसको हम कुकर में 2 से 4 सीटी लगा लेंगे और फिर मसाला वसाला बनाने के बाद फिर इसको सब्जी रेसिपी हम आपको दिखाएंगे आगे, इसका रेसिपी भी शेयर करेंगे आपके साथ कैसे बनाने जा रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं, इसको बॉयल होने दे देते हैं कुकर में, फिर उधर बर्तन वगैरह धो के किचन साफ करके उसके बाद हम फिर इसका सब्जी बनाएंगे जो कि हम आपको दिखाएंगे। तो पहले हम दोनों हाथ से धो लेते हैं, कैमरा भी पकड़ने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ पे राजमा हम कुकर में डाल दिए हैं, अब इसका सिटी बन गैस, मतलब सॉरी गैस बोलते हैं, इसका ढक्कन बंद कर देंगे। या ढक्कन बंद करने के बाद गैस में चढ़ा देते हैं, 4 सीटी देगा, उसके बाद इसको गैस को बंद कर देंगे। तो हम गैस ऑन कर लेते हैं, ढक्कन को चढ़ा दे रहे। तो ये देखिए चढ़ा दिए, 4 सीटी देगा, उसके बाद यहाँ बंद कर देंगे गैस को। यहाँ पे चावल के लिए यहाँ पे अदरक चढ़ा दिए थे पानी गर्म होने के लिए। सीटी जब तक देता है तब तक हम बर्तन धो लेते हैं, बर्तन धोने के बाद किचन वगैरह साफ कर लेते हैं जो भी काम है, और उसके बाद हम आपको इसका रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो यहाँ देखिए राजमा जो हम दिए थे वो बलने के लिए पूरा अच्छे से सीज गया है, इसको हाथ से दबा के देख रहे हैं। तो देखिए दब गया, और इसको हम थोड़ा सा मिक्सी के जार में निकाल लेंगे और इसको हल्का सा पीस देंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो ये देखिए जार हम ले आए हैं और इसको हम इतना सा निकाल लेंगे और इसमें डाल देंगे मिक्सी में। तो इसको इसलिए पीस के रखते हैं, पीस लेते हैं थोड़ा सा, ताकि ग्रेवी जो है सो गाढ़ा बनता है, तो इस वजह से इतना सा पहले पीस लेते हैं। बस इतना ही पीसना है और उतना का सब्जी बनाएंगे। तो अभी रख के फिर मसाला का तैयारी करते हैं। पहले इसको हम हल्का सा ठंडा होगा तो इसको हम पीस लेंगे, और पीसने के बाद फिर हम इसका प्रोसेस दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको मिक्सी के जार में इस तरह थोड़ा सा दरदरा पीस के रख लिए हैं, और यहाँ पे हम कढ़ाई भी चढ़ा दिए हैं, और इधर मेरा
चावल भी बन गया है, इसको पसा के रख लिए। तो अभी हम जा रहे हैं और वहाँ पे प्याज भी कटिंग हो रहा है। तो अभी हम इसका और यहाँ पे धनिया पत्ता रखे हैं तोड़ के, जो कि अभी डालेंगे। तो अभी इसको कढ़ाई को चढ़ा दिए, फिर अभी हम अपने पति को बुलाते हैं मोबाइल पकड़ने के लिए, क्योंकि अभी स्टैंड नहीं है, इस वजह से किसी को मोबाइल पकड़ना पड़ता है। और अभी हम दोस्तों नहा भी नहीं पाए क्योंकि 12:30 बज गया है और 1:30 बजे खाना खाते हैं मेरे हस्बैंड, तो 1:30 बजे तक नहीं बनेगा तो फिर उसके बाद नहीं खाना खाते, इस वजह से जल्दी बनाना पड़ता है थोड़ा। तो अभी हम देखिए गैस ऑन कर दिए हैं कढ़ाई चढ़ा के, और उसके बाद फिर हम बनाएंगे। प्याज कटिंग हो रहा है, यहाँ तेज पत्ता है, चिकन मसाला है और गरम मसाला, जो कि अभी हम डालेंगे। और चिकन मसाला हम डालते हैं तो आप भी ऐसे ट्राई करके देखिएगा तो बहुत टेस्टी लगेगा खाने में। देख लीजिए चिकन मसाला गोल्डी कंपनी का है, और यहाँ पे है खड़ा गरम मसाला, जो कि हम इसको पीस के डालेंगे उसमें और सिलबट्टे पे पीसेंगे, और तेज पत्ता है। तो बस यही छोटा सा मेरा किचन है, देखिए स्लैब यहीं तक है, ज़्यादा दूर तक तो है नहीं, बस ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा किचन है। तो ये देखिए गैस ऑन होने बाद कढ़ाई गरम हो रहा है, और कढ़ाई गरम हो जाएगा उसके बाद इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल डाल देते हैं, यहाँ पे देखिए सरसों का तेल डाल दिए हैं, थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि प्याज थोड़ा अधिक है तो उसको भी भुनने इतना डालना चाहिए। तो हम डाल दिए हैं इसमें तेल, तो तेल गरम हो जाएगा। तब तो उधर देखते हैं प्याज कटिंग कर रही है, फिर देखते हैं कितना कटिंग हुआ है। तो यहाँ पे देखिए तेल गरम हो चुका है, और इसमें हम डाल देंगे 2 तेज पत्ता, और यहाँ पे मेरी जेठानी जी प्याज काट के रख दी है तो डाल देते हैं। गाइस एक हाथ से मोबाइल पकड़ के एक हाथ से खाना बनाना बहुत टफ होता है, तो जल्द ही बहुत जल्द स्टैंड ले लेंगे बनाने के लिए खाना वगैरह। यहाँ पे प्याज हम डाल देंगे, तो यहाँ पे देखिए हम इसमें प्याज डाल दिए हैं, और प्याज डालने के बाद और ये 4 टमाटर है तो इसको अभी हम कटिंग कर लेंगे, और कटिंग करने के बाद इसको हम मिक्सी के जार में पीस लेंगे ताकि इससे ग्रेवी थोड़ा और गाढ़ा बनेगा। देखिए प्याज इधर भून रहा है, तो यहाँ पे प्याज लगभग भून चुका है। देखिए इसमें हम डाल देते हैं नमक, तो ये है नमक, और इसको हम डाल देते हैं 2 चम्मच, 2 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा देना होगा, 3 चम्मच दे देते हैं अभी, फिर टेस्ट करके फिर उसे उसके हिसाब से देंगे। तो देखिए नमक डाल दिए, थोड़ा सा और लाल होगा प्याज,
उसके बाद इसमें हम डाल देंगे मसाला। तो यहाँ पे प्याज मेरा लाल हो गया है भून के, अब इसमें हम डाल देंगे मसाला जो कि पीस के रखे हैं। ये है ये लहसुन अदरक और मिर्चा जीरा और काली मिर्च। तो सबका पेस्ट हम बना लिए और इसको हम डाल देंगे। इसमें हम हल्दी और हल्दी अपने अनुसार दें, नमक हल्दी अपने हिसाब से ही देना चाहिए। तो यहाँ पे हम 4 चम्मच हल्दी डाल दें। और गाइस मेरा बैकग्राउंड में आपको सुनाई देता होगा, यहाँ बगल बेचने के लिए कुछ आया है तो वही आवाज़ लगा रहा है, तो इस वजह से वही सुनाई देता होगा। देखिए इसमें हम डाल दिए हल्दी और थोड़ा सा ये हल्का सा पानी इसका सूखेगा, फिर इसमें हम डाल देंगे टमाटर का पेस्ट जो बना के रखे हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा मसाला भून चुका है, उसके बाद इसमें हम डाल देंगे टमाटर, देखिए टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा भुनेगा जो हल्का सा और भुन जाएगा, उसके बाद इसमें हम डाल देंगे जो गोल्डी का चिकन मसाला है, वो डालने के बाद करीब आधा घंटा तक इसको मसाला को अच्छे से पहले भून लेंगे, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे राजमा। तो यहाँ पे देखिए इसमें डाल देंगे जो चिकन मसाला है उसको डाल देंगे। सब कुछ डाल दिए हैं जो जो डालना था, तो अभी इसको आराम से पहले आधा घंटा तक धीमी आँच में हम लोग थोड़ा सा गैस को कम कर देंगे और इसको अच्छे से पहले भूनेंगे। जब उधर मसाला भून रहा है तब तक हम पहले धनिया पत्ता काट के रख लेते हैं। तो इतना धनिया पत्ता है इसको धो लेंगे और धोने के बाद इसको कटिंग करके रख लेते हैं ताकि उसमें आसान होगा डालना। इसको धो लेते पहले, और धनिया पत्ता घर का है, इतना अच्छा धनिया पत्ता है। इसको अभी हम कटिंग कर लेंगे। तो हम लोग तो रात में चावल के साथ खाएंगे और बच्चे लोग तो लेट से आने की वजह से उन लोग के लिए रोटी बना देंगे जिस समय आएगा। तो आटा सान के रख लिए हैं, तो उसी समय रोटी बना के राजमा और चावल मतलब राजमा और रोटी खाएगा। धनिया पत्ता कटिंग करके रख लिए और ये गरम मसाला भी हम कूट के रख लिए हैं। उसके बाद मसाला आराम से पहले भून लेते हैं और देखिए इसका कलर कितना अच्छा है। तो अभी हम इसमें ना धनिया पाउडर डाले ना मिर्चा पाउडर कुछ भी अभी नहीं डाले हैं, और इसका कलर देखिए कितना अच्छा है। तो जो घर का पीसा हुआ मसाला रहता है वो बहुत अच्छा कलर आता है। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए। ये देखिए 1 चम्मच है, तो इसको हम डाल देंगे और इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर 1 चम्मच। इसको चला देते हैं,
अच्छे से, जैसे कि तेल नहीं छोड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भून चुका है मसाला पूरा, देखिए तेल भी साइड साइड में छोड़ गया, आप लोग देख सकते हैं ध्यान से। तो यहाँ हम जा रहे हैं डालने के लिए राजमा, तो इसको हम डाल देते हैं। डाल दिए, उसके बाद इसमें हम जो देखिए पीस के रखे थे इसको भी डाल देते हैं। इससे होता है कि ग्रेवी बहुत गाढ़ा बनता है। तो इसको हम राजमा को मसाला में 5 मिनट और ये देखिए जो गरम मसाला था खड़ा उसको हम कूट लिए थे और इसको भी हम डाल देंगे। और धनिया पत्ता यहाँ कटिंग किया हुआ है तो उसको भी डाल देंगे जब बॉयल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम नमक पहले टेस्ट कर लेते हैं कि कैसा है, उसके अनुसार फिर थोड़ा सा और डाल देंगे। यहाँ पे देखिए गाइस, इसमें उबाल आ चुका है तो इस पर डाल देते हैं धनिया पत्ता जो कटिंग करके रखे थे। इसको हम चला देते हैं। और इधर बना रहे हम रोटी, क्योंकि सासू माँ का पूजा हो गया है और रोटी अभी गरम गरम देते हैं बना के। तो यहाँ पे हम रोटी सेक लेते हैं 4 रोटी, उसके बाद यहाँ पे सब्जी भी सुबह का जो कद्दू का था उसको हम गरम कर रहे हैं, देंगे खाने के लिए। तो ये देखिए ये राजमा भी हो गया है लगभग, मतलब लगभग क्या हो गया है, तो नमक भी टेस्ट कर लिए थे कम था तो इसमें डाल दिए हम नमक। और गैस को बस ऑफ कर देते हैं, बन गया है। तो यहाँ पे देखिए अपनी सासू माँ का नाश्ता हम निकाल लिए हैं, अब जा रहे हैं उनको दे देते हैं खाने के लिए, क्योंकि पूजा करते करते इतना लेट हो जाता है। तो अभी वो नाश्ता करेंगी, उसके बाद फिर दोपहर का खाना खाती है थोड़ी देर में हस्बैंड का। तो देखिए जा रहे हैं उनको देने के लिए और छत पे खाएंगे, तो वहीं लेके जा रहे हैं। तो पहले यहाँ किचन बंद कर देते हैं, नहीं तो बिल्ली घुस जाती है, इसलिए किचन बंद कर दिए। अब जा रहे हैं लेके खाना, उसके बाद हम नहाएंगे। तो यहाँ पे हम आ गए छत पे और कपड़ा भी उतार के लेते जाएंगे नहाने वाला। हवा चल रहा है।
इसी के ऊपर बैठ जाइएगा। देखिए गाइस, नहा धोवा के हम आ गए हैं छत पे और अपना खाना भी लेके, और यहाँ मेरा खाना है तो अभी हम खाना खाएंगे। और खाना उनको दे के गए थे तो खाना खा लिए, अभी हम यहाँ पे खाना खाएंगे। छत में खाने में थोड़ा सा अलग ही मज़ा आता है और धूप में भी अच्छा लगता है, तो अभी हम यहाँ पे खाना खा लेते पहले। तो अभी देखिए, अभी हम खा लिए और खा के बताते हैं आपको टेस्ट। तो बहुत टेस्टी लग रहा है खाने में। खाने में कैसा लगा जी? बहुत मज़ा आता है राजमा चावल खाना। तो यहाँ पे हम खाना खा रहे थे और गाइस, हम ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो चुका था। तो मेरा ब्लॉग को पसंद करिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। बाय बाय।